चल रहा चालू हो गया, हमने कर दिया बेहतरीन सेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे आसिफ भाई, आज मैं आसिफ अली। आज मैं आसिफ अली 2002-2003 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। 2002 एंड 2003 का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ अली। हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में 2001 एंड 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था सिक्स्थ एंट्रेंस का, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए 2002 एंड 2003 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीका भी वही रहेगा जैसा पिछला था, आपको क्वेश्चन इस जगह डिस्प्ले पर शो भी होता रहेगा और मैं इधर सॉल्व कराऊँगा और बीच बीच में कोई क्वेश्चन मैं पढ़ भी दूँगा, ठीक, जिससे कि आपको आसानी हो करने में। और पूरा सॉल्व करने का तरीका मैं अच्छे से समझाऊंगा, कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, आपको डिस्प्ले पे शो भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट ऑल ऑफ, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0.00053, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0.00543, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.00.5430 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 543.000। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है। हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी हमने उसमें लार्जेस्ट देखा था, सबसे बड़ा देखा था, पर इस क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है। छोटा हो या बड़ा हो चेक करने का तरीका वही होता है, इधर से हम इधर की तरफ चेक करते हैं वन बाई वन वैल्यू को। तो हम चेक करते हैं ए ऑप्शन में, देखते हैं यहाँ ज़ीरो है, पॉइंट से जस्ट पहले वाली वैल्यू ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये तीन ज़ीरो दिए हुए हैं, तीनों को एक ही लिखो या तीन लिखो इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे, ये जब भी ज़ीरो है तब भी ज़ीरो रहेगी। हमने इसके पॉइंट से पहले वाला देखा है तो इसलिए ये भी देखेंगे, इसमें क्या है ज़ीरो, इससे पहले क्या है थ्री, तो हमारा इन ज़ीरो से थ्री सबसे बड़ा है, तो हमारा इसलिए ये ऑप्शन जो है ये डी सबसे बड़ा हो गया, इसलिए हमारा ये गलत आंसर हो गया, डी गलत है। और बाकी हम तीन चेक करते हैं ए बी सी को। अब पॉइंट देखते हैं, पॉइंट जस्ट जीरो के बाद है, सब में कॉमन है, डी तो देखने ही नहीं हमें, पॉइंट के बाद देखते हैं वैल्यू, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये फाइव, तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये हो गया, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं 0.0 के बाद, ज़ीरो के बाद ये दूसरी डिजिट देखेंगे, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो इसका मतलब अभी हम इन दोनों पे से पता नहीं चल पाएगा कि हमारा सबसे छोटा कौन सा है। तो हम इससे अगली वैल्यू चेक करेंगे दो ज़ीरो के बाद वाली, ये तीसरी ज़ीरो है ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में देखेंगे तीसरे नंबर पर जो वैल्यू है वो फाइव है, तो इसका मतलब क्या ज़ीरो से बड़ा फाइव होता है, तो इसलिए फाइव हमारा सबसे इससे बड़ा है ए ऑप्शन से, जो बी ऑप्शन है ये फाइव की वजह से बड़ा है, इसलिए हमारा सबसे छोटा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि है 0.000543, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू बोलता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दिया है इसमें, ये गलती है इसमें, असल में LCM, आगे ब्रैकेट में LCM दिया हुआ है, तो इसका होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9, इसको सही कर लीजिएगा। तो LCM पूछा है इसमें ना, LCM किसका पूछा है, 3, 6 एंड 9 का LCM पूछा गया है, इन तीन वैल्यू का LCM क्या होगा। LCM निकालने का तरीका यही होता है 3, 6 एंड 9,
एलसीएम हम तब तक निकालते हैं जब तक सबकी वैल्यू वन ना हो जाए, तब तक उसको काटते रहते हैं हम। सपोज जैसे ये थ्री है, ये तीनों वैल्यू तीन से कट हो जाएंगी, इसलिए थ्री से, थ्री वन ज़ा थ्री, वन हो गया, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन। ठीक, अब ये वन हो गया, इसको तो छोड़ देंगे, अब अगली वैल्यू देखेंगे, अगली वैल्यू टू है, तो यहाँ से टू से होगा, ये वन का वन उतर आएगा, टू वन ज़ा टू, वन आ गया यहाँ पर भी। ये थ्री है, थ्री टू से कट नहीं होगा, तो इसलिए थ्री को थ्री उतार देंगे हम। देखेंगे अब थ्री बचा है सिर्फ, ये दोनों तो वन वन हो गए, तो इसे थ्री से करेंगे, तो ये वन उतार देंगे जैसे था, थ्री वन ज़ा थ्री, ये तीनों वैल्यू वन हो गई। जो ये हमारे आए हैं तीनों इसके, तो इसको ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या निकलेगा इसका, थ्री इंटू टू इंटू थ्री, जो हो जाएगा आपका थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू थ्री एट्टीन, एट्टीन इसका एलसीएम हो जाएगा। किन वैल्यू का, थ्री सिक्स एंड नाइन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, ये तो आपको पता चल गया, लॉन्ग मेथड है ये, तो इसको आपको करने में तकरीबन एक मिनट लग जाएगा, तो आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि इंट्रेंस है, इंट्रेंस में बहुत बच्चे बैठते हैं, तो टाइम सेव करने का आपको तरीका सीखना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका ये भी है, जब भी कितनी भी वैल्यू दी हो उसका एलसीएम पूछ रहा हो, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, नाइन, नाइन ले ली हमने, इसी का टेबल पढ़ेंगे और उस टेबल में देखते रहेंगे जो छोटी वैल्यू हो वो उसको काट रही हो प्रॉपर। जैसे नाइन है, ये थ्री काट देगा इसे थ्री टाइम में, सिक्स नहीं काट पाएगा नाइन को, तो इसलिए इसका टेबल एक और बार पढ़ेंगे, नाइन टू ज़ा एट्टीन। अब चेक करेंगे, थ्री काट देगा एट्टीन को, अच्छा काट देगा सिक्स टाइम में, सिक्स भी काट देगा एट्टीन को थ्री टाइम में, और नाइन तो काट ही देगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट्टीन ही हो जाएगा। ये इसका एक शॉर्ट तरीका है आसानी से निकालने का, जल्दी से सिर्फ दो लाइन में इसका आंसर आ जाता है। हम अपना क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ ऑफ 20 एंड 40 इज, एच सी एफ, एच सी एफ की फुल फॉर्म हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, किस किस का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, 20 का और 40 का, इन दोनों वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका क्या होता है, पहले हमें इसका फैक्टर करने होते हैं, फैक्टर ऑफ, जैसे हमने 20 के फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 20 है, दो वैल्यू अलग अलग करते हैं दोनों का फैक्टर, 20 वन से कट हो जाएगा, टू से भी कट हो जाएगा, टू के टेबल में भी आता है, थ्री में नहीं आएगा, फोर में आ जाएगा, ठीक, और फाइव में भी आ जाएगा, सिक्स में नहीं आएगा, सेवन में नहीं आएगा, एट में भी नहीं आएगा, नाइन में नहीं, टेन में आ जाएगा और ट्वेंटी में आ जाएगा, खुद अपने टेबल में भी आ जाएगा। ठीक, अब हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर ऑफ 40 के फैक्टर करते हैं, वन तो रहेगा ही, टू भी आ जाएगा, टू के टेबल में भी आ जाता है, थ्री के में नहीं आएगा, फोर के में आ जाएगा, फाइव सिक्स में नहीं आएगा, सेवन में नहीं है, एट में आ जाएगा, नाइन में नहीं, टेन में आ जाएगा, ट्वेंटी में आ जाएगा एंड फोर्टी में आ जाएगा, अपने टेबल में आ जाएगा। अब ये इसके फैक्टर कर लिए, ठीक, हमारा एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी से हमें पता चल जाता है कि हमें पहले फैक्टर करने हैं, उसका कॉमन निकालना है और उसके बाद सबसे हाई उसकी वैल्यू देखनी है क्या है। हमने फैक्टर निकाल लिए, अब इसमें कॉमन देखते हैं, इसमें वन कॉमन है, इसमें टू कॉमन है, इसमें फोर कॉमन है, इसमें फाइव कॉमन है, इसमें टेन कॉमन है, इसमें ट्वेंटी कॉमन है, ये आ गए आपके कॉमन। कॉमन क्या क्या आ गए, वन आ गया, टू आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, टेन आ गया एंड ट्वेंटी आ गया। ठीक, ये सिर्फ इसके फैक्टर आ गए, कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू चेक करनी है, क्योंकि एच सी एफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, हाईएस्ट वैल्यू है इसकी 20,
तो यही इसका आंसर हो जाएगा 20 SCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपके। ए इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए इसमें कितना कुछ करना पड़ा, पहले फैक्टर करे, फिर उसके बाद कॉमन निकाला, फिर उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू देखी। तो इसमें लगता है टाइम, एंट्रेंस में आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। तो इसका तरीका देखिए दूसरा, इसका दूसरा तरीका देखिए, जिससे हम ट्रिक कह देते हैं, ठीक। अब दोनों वैल्यू दी हुई हैं HCF, इसमें सिर्फ दो वैल्यू का ही, इस ट्रिक से दो वैल्यू का ही HCF निकल सकता है। दो वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को डिवाइड फॉर्म में लिख लियो, लिख लीजिए 20 बाई 40 लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, आप छोटी वैल्यू से काटना शुरू करेंगे। सपोज़ जैसे आप पहले 2 से काटेंगे, ये 10 टाइम में कटेगा, ये 20 टाइम में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 5 टाइम में कटेगा, ये 10 टाइम में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, ये 1 टाइम में कटेगा, ये 2 टाइम में कटेगा। तो इसमें भी आपका काफ़ी टाइम इंगेज होगा। इसका भी तरीका निकालिए, बड़ी से बड़ी वैल्यू से काटने की कोशिश कीजिए। 20/40 है, क्यों ना इसे 20 से ही काट दिया जाए। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो ऊपर की है, 20 2 ज़ा 40 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 20 से काटिए। 21 ज़ा 20 22 ज़ा 40। अब देखिए, अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो हाईएस्ट का यही होता है जो लास्ट, मतलब कटना रुक जाए, जहाँ पे दोनों वैल्यू नहीं कट पाए, वहीं तक उसका हाईएस्ट वैल्यू हो जाता है। ये लास्ट किससे कटा था, 20 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये तरीका था इसका। आप खुद से मुझे इस वैल्यू का निकाल के बताइएगा क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका बताइएगा 140 और 70 का क्या होगा, ठीक। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, आ टेबल परचेज फॉर रेट 150 इज सोल्ड फॉर 175, दी प्रॉफिट वाज। एक टेबल खरीदी गई 150 रुपये में, सोल्ड मतलब बेची गई 175 रुपये में, उसका प्रॉफिट बताना है। जो उसका कॉस्ट प्राइस है CP कितना आया 150, और सेलिंग प्राइस SP कितना आया उसका 175, और P प्रॉफिट पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर SP माइनस CP होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हो या ना हो, आप सिंपल खुद से भी तो निकाल सकते हैं। आप CP मतलब आपने ख़रीदा कि कोई चीज़ 150 रुपये में, सपोज़ ये मार्कर आपने 15 रुपये में ख़रीदा और 20 रुपये का बेच दिया आपने, तो आपको कितना रुपये बचे इसमें, 5 रुपये, वही आपका प्रॉफिट है। तो वैसे ही करना है आपको, जितना ख़रीदा है जितने में बेका है, बेचने वाले में से ख़रीदने वाले को घटा दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो SP ये बस उसी फॉर्म में दे दिया है, फॉर्मूले की फॉर्म में और कुछ नहीं है। SP कितना है 175, CP कॉस्ट प्राइस कितना है 150। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा 25, यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 2000 एट 10% एनुअल फॉर द 2 ईयर। एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें 2000 रुपये पे, 10% पर एनम का ब्याज लगता है किसी पे, रेस्ट लगता है 2 साल के लिए। तो उसका SI कितना होगा, हमें SI पता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और आपको ये पिछला लेक्चर देखना हो 2001 और 2 का, तो मैं आई बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिससे आपको आगे कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो SI का फॉर्मूला क्या था,
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला था। आप पिछली वीडियो में देखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया और बताया अभी इसके बारे में। SI पी क्या होता है? पी होता है यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। इसका आप देखेंगे तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2000, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इसमें 10%, ठीक। और टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स। ये चीज़ दी हुई है, गिवन है ये क्वेश्चन में। अब ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पी कितना है 2000 इंटू आर कितना दिया है, आर दिया है 10 इंटू टी कितना है 2 डिवाइड बाई किससे करना होता है 100 से। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, ठीक। तो SI बराबर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए इज़ द राइट आंसर। अभी तक शुरू के चारों क्वेश्चन ए ए आया है। अब आप ये मत समझ जाइएगा कि पैटर्न जो होता है MU क्वेश्चन का, यही होता है कि शुरू में ए ए ऑप्शन रख देते हैं, ठीक। इसमें ये बाई चांस आ चुका है ए ए आंसर 4-5 क्वेश्चन का। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 200 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी किलोमीटर इट विल ट्रेवल इन 4 आवर। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दी है। क्या दी हुई इसकी स्पीड दी है, स्पीड कितनी 200 किलोमीटर पर आवर। आवर यहाँ पे 1 आवर ही है, आवर हो है ना, तो 200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दी है। पूछा क्या है, वो चार घंटे में वो कितना ट्रेवल कर लेगी। अगर उसकी एक घंटे में स्पीड 200 किलोमीटर है तो 4 घंटे में कितनी हो जाएगी, इंटू 4 कर देंगे, है ना, इधर लिख देते हैं, इंटू 4 कर देंगे, 4 घंटे में आ जाएगी इसकी, तो कितनी आएगी 800 किलोमीटर। यही आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए इज द राइट आंसर, 800 किलोमीटर, ठीक। ये तो सिंपल सा था। हम क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है वन साइड ऑफ आई स्क्वायर फील्ड इज 10 मीटर लॉन्ग, व्हाट अमाउंट विल बी नीडेड टू शो सीड इन इट्स एरिया एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर। एक फील्ड दिया हुआ है जिसका स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड मतलब चारों साइड बराबर होंगी, जिसकी एक साइड दी है, कितनी दी है, एक साइड दी है 10 मीटर की। जब एक साइड दी है 10 मीटर और स्क्वायर में हमें पता है चारों साइड बराबर होती हैं, तो हमको सब पता चल गई है, ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, चारों साइड पता चल गई हमें। अब क्वेश्चन में बताया है कि अगर इस फील्ड का एक मीटर स्क्वायर बेचा जाए या उसका प्राइस नापा जाए तो उसका 25 रुपये एक मीटर स्क्वायर का होता है। हमें इस पूरे का बताना है कितना होगा। सपोज़ हम इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं, कितना होगा इसका। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है इसकी, ये भी 10 है, ब्रेथ कितनी है, ये भी 10, कितना हो जाएगा 10 × 100 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, मतलब स्क्वायर लग जाता है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया हो गया इसका, जो एरिया फील्ड का एरिया आया वो कितना आया 100 मीटर स्क्वायर।
अब हमको बताया गया है कि एक मीटर स्क्वायर का प्राइस 25 रुपये है और 100 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? जब एक का 25 रुपये है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, एक मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है? 25 रुपये है, तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 100 × 25 हो जाएगा, ठीक। 100 × 25 = 2500, ये हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है कि 100 मीटर स्क्वायर का अगर हम प्राइस निकालें 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर से, तो कितना निकलता है? 2500, क्योंकि हमने इसका साइड से एरिया निकाला, एरिया से क्या मिला हमें, उसका एरिया मिल गया। एरिया को हमें पता था एक मीटर स्क्वायर का 25 है, तो 100 का हमें निकालना आसान हो गया, इनटू करके सिर्फ 100 से इनटू कर देना था जितना एक का दिया हुआ था। तो यही आपका 2500, ये आपका ऑप्शन नंबर में है सी में, सी इज़ द राइट आंसर। हम अपना क्वेश्चन नंबर अब 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है टोटल ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 degree, व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज। एक ट्रायंगल के तीन एंगल हैं, सपोज ये ए एंगल, ये बी एंगल, ये सी एंगल। इसमें क्वेश्चन में बोला है दो, कोई भी दो एंगल का सम जो है 100 degree है। सपोज हमने मान लिया ए और सी का, एंगल ए प्लस एंगल बी का कितना है, हमने बी का लिया है सी का नहीं लिया रे, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना दिया है हमें 100 degree। और हमें तीसरे एंगल, सपोज जैसे हमने ए बी को लिया है, तो इसमें तीसरा एंगल पूछ रहा है कितना होगा, एंगल सी पूछा गया है कि कितना होगा। तो हमें इस तीनों एंगल के सम का वैल्यू पता रहती है कितनी होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सब तीनों एंगलों को जोड़े तो 180 degree होता है, 180 degree होता है, ये तो आपको पता होगा। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 degree, ये होता है। आपको दो एंगलों का सम कितना दिया है 100, आपको निकालना क्या तीसरे एंगल का, एंगल सी का, कैसे निकलेगा, जो हमें टोटल कितना होता है 180 degree, उसे घटा देंगे कितना, दो एंगल का जो दिया हुआ है 100 से घटा देंगे, हमें तीसरा एंगल निकल जाएगा, एंगल सी कितना आएगा हमारा, तीसरा एंगल या था एंगल सी, दोनों बातें एक ही है ना, तो 180 में से 100 का कितना आया 80 degree। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक। आपको ये अब पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल के एंगलों का सम जो होता है, तीनों एंगलों का सम, वो 180 डिग्री होता है, ठीक। ये उसी से क्वेश्चन बनाया आसानी से। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है डिफरेंट बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4-digit number एंड द लार्जेस्ट 3-digit number इज। इसमें बोला है चार डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाया जाए, तो यही तो होगा 1000। इसमें कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, चार डिजिट हैं। सबसे स्मॉल चेक करने का तरीका क्या है, उसमें से एक घटा दीजिए, एक घटा के देख लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट होगा तो आ जाएगा। -1 करते हैं, इधर से एक कॉमन लिया तो ये 10 हो गया, 10 से एक लिया तो ये 10 हो गया, इससे लिया तो ये 10 हो गया,
10 में से 1 गया तो बचा 9। यहाँ 10 था 9 हो गया था, तो यहाँ पे भी 9 उतरा है। ये 10 था, इसे एक को मैं इधर दिया था, तो क्या हो गया, ये भी 9 बचा। 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 बचा। अब ये इसकी डिजिट देख लीजिए, 1, 2, 3, ये 3 डिजिट में आ गया। अब ये बताइए, जब हाईएस्ट यही तो होगा 1000, उसमें से 1000 डिजिट घटा दें तो 3 डिजिट में आ जा रहा है। तो हाई हमारा जो स्मॉलेस्ट है, सॉरी स्मॉलेस्ट जो चार डिजिट का नंबर है वो है 1000, ठीक। और हमारा ये तो हो गया 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000। हमारा अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 999 लार्जेस्ट है। इसमें हम प्लस करके देख लेते हैं एक को, जैसे उसमें माइनस करा था क्योंकि वो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट में से एक निकालेंगे तो छोटा हो जाता वो, इसमें ये लार्जेस्ट है, इसमें ऐड करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसमें देखते हैं 9101 10 का 0 1 1910। अब ये देखिए 1000 हो गए, इसमें डिजिट कितनी हो गई, पर 1, 2, 3, 4 डिजिट हो गई। हमें क्या बताना था, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो 3 का तो रहा नहीं कि 4 डिजिट में हो गया, तो इसलिए हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है 3 डिजिट का, 999। और अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आपको पता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, आपका डिफरेंस निकल आएगा। बड़ी वैल्यू क्या है, 1000, छोटी वैल्यू क्या है, घटा दीजिए अपना आप, इसका डिफरेंस निकल आएगा। ये 10 है, 1 इधर जाएगा ये 10 हो जाएगा, 1 इधर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये 9 बचा, 9 से 9 कैंसिल 0, 9 बचा, 9 से 9 कैंसिल 0, 001। अब 001 लिखो या सिंपल 1 लिखो, वो तो 1 ही है ना, इससे पहले कितनी भी 0 लगा दीजिए इसकी वैल्यू कहीं चेंज हो जाएगी। तो इसमें बीच में डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस बिटवीन आया 1 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, इट इज़ द राइट आंसर। हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द नंबर ऑफ टेन पैसे कॉइन्स इन 10 रुपीज। 10 पैसे के कॉइन्स हैं, दस पैसे के अगर कॉइन्स 10 रुपये में निकाले जाएं, 10 रुपये में कितने 10 पैसे के कॉइन्स होंगे, यही पूछा है इस क्वेश्चन में। हमें निकालने कितने में, 10 रुपये में निकालने हैं, 10 रुपीज़ में निकालने हैं हमें, 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे। हम पहले 1 रुपये का निकालते हैं, क्योंकि 1 रुपये का निकाल देंगे तो इंटू 10 कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा कि 10 रुपये में कितने होते हैं। पहले हम सपोज़ 1 रुपये का निकालते हैं, 1 रुपये का निकालते हैं, 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, पर पूछा क्या गया है कि 10 पैसे के सिक्के होने चाहिए, हाँ 10 रुपये में, तो हमें 1 रुपये में भी ऐसी 10 पैसे के सिक्के करने पड़ेंगे। 10 पैसे के सिक्के करने के लिए इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 से ये 0 ख़त्म, कितना बचा, कितना बचा, ये 10 बचा। हमें ये पता चल गया 1 रुपये के अंदर 10 पैसे के 10 कॉइन होते हैं, तो अब हम निकाल लेंगे 10 रुपये के अंदर कितने होते हैं, 10 रुपये के अंदर 10 पैसे के कितने होते हैं, 10 × 10 कर देंगे, ये रुपीस हो गया, ये 10 पैसे के सिक्के हो गए, 10 × 10 करने के बाद कितना हो जाएगा, 100, यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए
ए इज अ राइट आंसर। ठीक, पहले हमने एक रुपये का निकाला, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, दस का निकालते, दस के दस रुपये में आपको पैसे देखने पड़ते, पहले कितने होते, दस रुपये में देखते तो आपका 1000 पैसे होते, उसमें 1000 पैसे होते, उसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, आपका 100 ही आता, उससे हमको पता चल जाता कि 10 रुपये के अंदर 10-10 पैसे के कॉइन्स 100 होंगे। ठीक, इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द राउंड फिगर ऑफ 803.054 अप टू 2 सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ डेसिमल वुड बी, एक नंबर दिया हुआ है 803.054, इसमें क्या पूछा है, 2 सिग्निफिकेंट प्लेस तक इसको, डेसिमल के 2 सिग्निफिकेंट प्लेस तक इसको राउंड फिगर में लिखना है। इसके सिंपल सिंपल हम लिखते हैं डायरेक्ट 803, ये पॉइंट से पहले था, इन्हें वैसे का वैसे उतार दिया, पॉइंट लगाया, अब क्या बोला है 2 डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर डेसिमल के बाद, अब डेसिमल के बाद क्या बचा, 0 बचा और ये 5 बचा, 4 हमने काट दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपके डी में है, डी इज़ द राइट आंसर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था इसलिए ऐसा हो गया, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया जाए तो आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 4 की जगह लास्ट में हम 7 कर देते हैं, अब वही बताना है 2 सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट नंबर लिखने हैं राउंड फिगर करके। अब इसका तरीका आप आंसर दे दीजिएगा, मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ, आप पर ईमानदारी से पॉज करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, सिग्निफिकेंट नंबर करना है राउंड फिगर में तो 803, इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉइंट के बाद जस्ट 0 है, पर अब हमें 2 डिजिट तक ही लिखना है तो दूसरा डिजिट 5 ख़त्म हो रहा है, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, पर नहीं, क्योंकि ये 5 के बाद वाली वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, इसलिए जो उससे जो 5 से बड़ी वैल्यू है उसको हटाने के लिए उससे पहले वाली जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 803.06 हो जाएगा, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट 5 आ गया, क्यों आया था, क्योंकि ये 5 से छोटी है वैल्यू, 4 जो है 5 से छोटी है, इसलिए हमारा डायरेक्ट 5 आ गया था, पर जब भी ये 5 से बड़ी वैल्यू हो जिसको हटाना है उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर ये होगा 803.06। ठीक, आप खुद से भी एक दो क्वेश्चन बनाइएगा इस पे, इसके आपके प्रैक्टिस हो जाए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर इट्स डायमीटर वुड बी, एक सर्किल दिया है। ठीक, सर्किल का रेडियस यही होता है, जो मिड पॉइंट होता है उससे किधर भी लाइन खींच दी वो रेडियस हो जाता है, इसको स्मॉल r से करते हैं रिप्रेजेंट, तो रेडियस बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, वो दिख रहा होगा। ठीक, अब ये बताइए जो डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, यही होता है दो रेडियस को मिलके एक डायमीटर बनता है, या ये कह लो एक डायमीटर के अंदर दो रेडियस होते हैं, डायमीटर को डायमीटर कहो या लार्जेस्ट कोर कहो, लार्जेस्ट कोर कहो, दोनों बात एक हैं, तो इसका डायमीटर यही होगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डायमीटर जो रेडियस का दुगना होता है, तो डायमीटर बराबर 2 × r होता है, तो डायमीटर निकालना है हमें 2 × में करना है, r कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर बराबर कितना आएगा
दस सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ से भी इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि आपको पता है जब रेडियस जो होता है, रेडियस और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दो गुना होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ये 5 है इतना, तो इधर भी ये भी कितना होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, डी निकली आएगा, डी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आंसर। ठीक, आपको टाइम सेव करना होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को करके आगे बढ़ना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज ऑफ 0.0, 1, 2 एंड 3.0 इज। एवरेज निकालना है, क्यों वैल्यूज दिए हैं 0.0, 1, 2 एंड 3.0। ये वैल्यूज दिए हैं। ठीक, अब इसका हम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है, आपको पिछले लेक्चर में एक बार मैंने बताया अभी तक, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो इसलिए। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल वैल्यू। एवरेज सम ऑफ वैल्यू ऑल वैल्यू, ये वैल्यूज दी गई हैं। अब आप कहेंगे 0.0, ये तो ऑल जीरो ही है। ठीक, इसको लिखो या मत लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जब भी हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज में कुछ भी दिया हो, इन जैसे इसमें ज़ीरो दिया है, तो आपको उसको वैल्यू मान के लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें नीचे जो होता है नंबर ऑफ वैल्यू आते हैं, नंबर में वो काउंट होगा, ज़ीरो ही भले क्यों ना हो। तो ये कितना है 0.0 + 1 + 2 + 3.0 डिवाइड बाई, अब कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, एवरेज कितना आएगा इसका, 0, जुड़ने का कोई उसके बाद कोई इसके वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को हटाई दिए। 1 + 2 = 3 एंड 3.0, पॉइंट के बाद कितनी भी 0 लगा दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 3 ही है। तो ये 3 हो गए, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6/4। अब इसको कट कर लीजिए, 2 से कट कर लीजिए, 3/2 आएगा, पर ऑप्शन में आपका ऐसे नहीं दिया हुआ, वो पॉइंट में दिया हुआ है आंसर, तो इसको पॉइंट में काट लीजिए, 2 × 1 = 2। ठीक, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 हो जाएगा, 10 हो गया, 2 × 5 = 10, यही आपका आंसर होगा 1.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है, ए इज़ अ राइट आंसर। तो हम एवरेज निकालते हैं 0.0, 1, 2 एंड 3.0 का, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आता है, 1.5। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लिकेटिव बाय 37.876 टू गेट 37876। एक वैल्यू है 37.876, इसमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये 37,876 हो जाए।
इस वैल्यू में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा जाए, ये 37,876 हो जाए। अब ऑप्शन देते हैं हम, अपना ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 10, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 100, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 एंड डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1000। हम वन बाई वन चेक कर लेते हैं और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। हम पहले ए का चेक करते हैं 10 से, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 37.876 इंटू 10 करते हैं तो ये 10 10 है तो ये पॉइंट एक इधर डिजिट सक जाएगा बस, तो ये क्या हो जाएगा 378.76। अब ये देखिए आपका ये अभी भी पॉइंट में ये है 378.76 और ये कितना है 37,000, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट डाला है तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी में क्या है 37.876 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब इसमें दो जीरो है तो दो डिजिट इधर सक जाएगा, इसका क्या आएगा 37.876 ये आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अभी भी देखो इसमें एक पॉइंट आ रहा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, वन है, वन से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 37.876 इंटू 1 कर दो तो इसकी कोई वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यही आ जाएगा 37.876 ही आएगा तो अभी पॉइंट में, इसलिए आंसर अभी भी हमारा मैच नहीं हुआ तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन चेक करते हैं जो कि कह रहा है 37.876 को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें कितनी ज़ीरो हैं 1, 2, 3, 1000 में 3 ज़ीरो हैं, अब ये जो पॉइंट है वो 3 डिजिट इधर सर खिसक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 पॉइंट। अब ये बताइए लास्ट में पहुंच गया बिल्कुल पॉइंट, इस पॉइंट को लिखो या मत लिखो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक। अब ये देखो जो हमें इस वैल्यू को ये वैल्यू बनानी थी ये वैल्यू ये बन गई 37876 37876 37,876, ये हो चुका है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अब इसका शॉर्ट तरीका देखो, कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बताएंगे। हमें बनाना क्या है 37.876 को क्या बनाना है 37,876। आप सिर्फ पॉइंट से पहली वाली डिजिट देखें, पॉइंट से पहले ही क्या है सिर्फ 37 है और इसमें देखा जाए शुरू की दो डिजिट ही, ये कितना है ये 37,000 में है, ये 1000 की वैल्यू है। इसको हम 876 को हम सपोज 00 मान लेते हैं एक बार, एक मिनट को, क्योंकि इस पर 876 को 00 कर देंगे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अब भी 37,000 है, ये अब भी 37,000 है ठीक, हम सिर्फ सोल्व करने के लिए मान लेते हैं। अब ये बताइए जब 37 को 37,000 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को 1000 करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 37 को 37,000 करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 37 × 1000 करना पड़ेगा तो ये कितना होगा 37,000। ये वैल्यू से मिल गई तो आपका आंसर क्या आया 1000 वैल्यू से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 37,876 होगा। तो इसका ये था तरीका आसान वाला। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ मैनी स्टोन्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ कोर्ट यार्ड विच इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। एक स्टोन है, स्टोन का साइज कितना दिया हुआ है, स्टोन का साइज दिया हुआ है 3 मीटर
और 2 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। स्टोन का साइज़ दिया हुआ है हमें 3 मीटर और 2 मीटर, और एक कोर्ट यार्ड दिया हुआ है, कोर्ट यार्ड YARD, कोर्ट यार्ड दिया हुआ है एक हमें, उसका साइज़ क्या है, कोर्ट यार्ड दिया हुआ है उसका साइज़ दिया हुआ है हमें 12 मीटर और 6 मीटर, 12 मीटर और 6 मीटर कोर्टयार्ड का साइड दिया हुआ है। अब हमें ये बताना है कि ये स्टोन जो है 2x3 के, 2 मीटर और 3 मीटर के, ये कितने स्टोन्स इस कोर्टयार्ड में इसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे, ये बताना है हमें कितने लगेंगे स्टोन्स इस कोर्टयार्ड को पूरी तरह से फिल करने के लिए। तो हम सिंपल इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, इसके एरिया में इस वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएंगी कितने स्टोन्स लगेंगे इस पूरे कोर्टयार्ड को कवर करने के लिए। हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, स्टोन एरिया 3x2 या 2x3, यही होगा, ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्टोन का एरिया कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। कोर्टयार्ड का निकाल लेते हैं, कोर्टयार्ड एरिया 6x12, कोर्टयार्ड एरिया 6x12 इज 72 मीटर स्क्वायर, ये कोर्टयार्ड का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, कोर्टयार्ड के एरिए में स्टोन के एरिए से डिवाइड कर देंगे। कोर्टयार्ड का एरिया कितना है, 72 मीटर स्क्वायर, स्टोन का एरिया कितना है, 6 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट 6 से, ये 12 टाइम में जाएगा, 6 12 72, तो इसमें स्टोन्स की ये क्वांटिटी आ गई कितने लगेंगे, ये आ गया 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है डी में। इस कोर्टयार्ड को पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल करने के लिए 12 स्टोन्स लगेंगे, ठीक। अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड, इसमें पहले एरिया निकालिए, उसका एरिया निकालिए, उसके एरिया में इसके एरिया से डिवाइड करिए, उसके बाद आएगा। अब इसका शॉर्ट तरीका देखिए, आपको दोनों की लाइन पता है, इसकी 2 है और इसकी 2x3 और इसका है 6x12। अब दोनों का हमें क्या करना होता था, पहले इसका एरिया निकालते, एरिया निकाल के डिवाइड करते थे, हम सीधे सीधे इनकी दोनों लाइन को इसकी दोनों लाइन से डिवाइड कर देंगे। सपोज़ ये 6 मीटर इंटू में होता है, क्योंकि एरिया निकालते तो इंटू में करते हैं, 12 मीटर, ठीक, डिवाइड बाई इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 2 मीटर इंटू 3 मीटर, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, डायरेक्ट लगा दिया, ठीक, ये मीटर से ये मीटर ख़त्म, ये मीटर से ये मीटर ख़त्म। अब देखिए ये 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम में, ये 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 4 टाइम में। हमारे पास क्या बचा, 3 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 12। यही आपका स्टोन्स की क्वांटिटी आ गई कि 12 स्टोन्स लगेंगे आपके इस कोर्टयार्ड को पूरी तरह से फिल करने में। तो ये आसान तरीका है ना, डायरेक्ट लगाओ, काट पीट करो, आंसर आ जाता है ना। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपना। बहुत पसीना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इज 4 आवर एंड 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट में पूछा है कितने मिनट होती हैं, 4 घंटे 4 आवर एंड 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट में पूछा है कितनी मिनट होती हैं, ठीक। मिनट निकालने का तरीका,
पहले हम एक घंटे में मिनट निकालते हैं, ये चार घंटे हैं, हम एक घंटे में निकालते हैं पहले कितनी होती हैं। एक घंटे में आपको पता है 60 मिनट होती हैं, ठीक। तो चार घंटे में कितने मिनट होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही होता है। 4 आवर में कितने मिनट होती हैं, 240 मिनट्स होती हैं, 240 मिनट्स होती हैं चार घंटे में। पर क्वेश्चन में आपके चार घंटे और 20 मिनट दिया गया है, तो 20 मिनट में ही दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 20 को इसमें जो 240 आया है चार घंटे में, चार घंटे का आपका कितना हो गया 240 प्लस 20 मिनट भी, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 20 को ऐड कर दिए कितना हो जाएगा, 260 मिनट। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। तो आपको पता चल गया चार घंटे और 20 मिनट में कितनी मिनट होती हैं, 260 मिनट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया हमारा। हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, आ टेबल वाज ब्राउट फॉर 500 एंड सोल्ड एट 600, दी प्रॉफिट परसेंटेजेस। इसमें एक टर्म यूज हुआ है ब्रोट, BROUGHT, ब्रोट। ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसमें, ये जो ब्रोट है ये किसकी फॉर्म है, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म होती है, उसी तरह से ये ब्रोट किसी की फॉर्म है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ये किसकी फॉर्म है, ठीक। जो वर्ड है उसका बताइएगा कौन से वर्ड की है, जो ब्रोट फॉर्म किसकी है। हम क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं दोबारा। तो क्या कह रहा है, एक टेबल है ब्रोट कितने में करता है, वो 500 में, और सोल्ड कितने में करता है 600 में। बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सिंपल सिंपल प्रॉफिट पूछता तो हम निकाल लेते सोल्ड प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। पर इसमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, ये लिख लीजिएगा आप, प्रॉफिट परसेंटेज। और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब दीजिएगा कि मुझे सर ये पहले ही पता था, आपने बताया, ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस into 100। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, जिसको पता था वही दे सिर्फ इसका जवाब। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये कर देते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। SP कितना है हमारा 600, CP कितना है 500, आपका प्रॉफिट कितना आ गया 100 रुपीज़ का आ गया, आपका P निकलिया है, प्रॉफिट निकलिया है 100 रुपीज़। तो इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, डिवाइड किससे करना है CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, कॉस्ट प्राइस 500, यही है। इनटू किसने करना होता है 100 से, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो ख़त्म, ये 5 बचा, इस 5 को 100 से कट कर दीजिए। कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, 5 से 100 20 बार में कटेगा। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 20%। यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके
ए में दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ऐसी इसमें एक और चीज़ सीख लीजिए अभी, जैसे ये प्रॉफिट है इसमें लॉस होता है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी पूछ, को लॉस भी पूछ लेता है परसेंटेज में, तो उसका फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा आप नोट्स करके कहीं। लॉस परसेंटेज बराबर, यहाँ पे प्रॉफिट था यहीं पे ही लॉस हो जाएगा, डिवाइड किससे करा था सीपी, यहाँ पे भी सीपी से करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई किससे करा था 100 से, यहाँ पे भी 100 से करेंगे। सेम होता है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज, यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है सिर्फ। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इससे भी ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, इसने बताया है कि लेंथ को मल्टीप्लाई करो, ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो और हाइट को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम बनता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, जिसमें बोला है ए रेक्टेंगल, बी स्क्वायर, सी ट्रायंगल, डी क्यूबॉइड। अब ये बताया है ये जो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ हाइट और वॉल्यूम, ये किस में प्रेजेंट होते हैं। चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम एक एक करके। पहला बोला है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी पैरेलल साइड बराबर होती हैं, मतलब आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, वो होता है रेक्टेंगल। अब ये बताइए रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इसका तो सिर्फ एरिया होता है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, और इसमें सिर्फ ब्रेथ दी हुई थी, मतलब ब्रेथ दी हुई होती है और इसकी लेंथ दी होती है, इसमें हाइट तो दी नहीं होती, इसलिए इसका एरिया निकलता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हम ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में बोला है स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड सेम होती है, सपोज ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, जिसकी चारों साइड बराबर हों। इसमें भी क्या होता है, इसमें ब्रेथ होती है और इसमें लेंथ होती है, तो इसका ब्रेथ इनटू लेंथ करके हम क्या निकालते हैं, इसका भी एरिया निकलता है, तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट और वॉल्यूम पूछा है, इसमें तो सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकलता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत। सी चेक करते हैं, सी कह रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड होती हैं, सपोज ए बी और सी, इसका भी हम निकालें, इसमें और एंगल्स होते हैं, एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये अब तो बताया था मैंने, पर इसका मतलब ये नहीं, आप इससे हमारा सिर्फ जो ये भी टू डायमेंशनल फिगर है, तो इसका भी हम जो निकालते हैं सिर्फ एरिया ही निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। इसमें तीन साइड दी होती हैं, लेंथ ब्रेथ, ओ सॉरी लेंथ ब्रेथ नहीं, ए बी साइड, तीन साइड दी होती हैं, जिसका हम निकालना चाहें सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, कोई वॉल्यूम नहीं होता ट्रायंगल का, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की फिगर आपने देखी हो, थ्री डायमेंशनल होता है, वैसे हम बोर्ड पे बना देता हूँ, ऐसा होता है क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है, इसमें लेंथ भी दी होती है, ठीक, सॉरी इसमें लेंथ भी दी होती है, इसमें ब्रेथ भी दी होती है और इसमें हाइट भी दी होती है, इसमें तीनों चीज होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, और इसका जो अंदर का वो निकलता है वो भी वॉल्यूम ही होता है, तो इसका मतलब क्या, हमारा डी ऑप्शन जो है वही सही ऑप्शन है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में ही तीनों चीज होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या निकलता है, वॉल्यूम ही निकलता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है।
हम ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द इक्वलेंट कॉमन फैक्टर ऑफ 25% इज, इक्वलेंट कॉमन फैक्टर बताना है 25% का, 25% का इक्वलेंट फैक्टर। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे डिवाइड करते थे 100 से। 25% को अगर वैल्यू में बनाना हो तो हमें 100 से डिवाइड कर देंगे। फैक्टर बनाना हो तो इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 25 ones are 25, 2 are 50, 23 are 75, 24 are 100। कितने टाइम में कटेगा ये, 25 are 21 are 25, 25 are 25, 24 are 100। ये हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है। ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है हमारा। हम उन क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी इफ हिज सैलरी इज 2500, व्हाट अमाउंट डज ही सेव। एक आदमी है आ मैन, ठीक, एक आदमी है वो अपना 80% सैलरी का 80% स्पेंड कर देता है, मतलब खर्च कर देता है, ठीक। और उसकी सैलरी बताइए, मैन सैलरी कितनी है उसकी, 2500 रुपीज़ है उसकी सैलरी, ठीक। अब आपको बताना है कि वो बचाता कितना है, अगर वो 80% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, ये बताना है आपको। पहले इसका 80% निकाल लीजिए, उसकी पूरी सैलरी कितनी है, 2500 है, उसका 80% निकालने का तरीका क्या होता है, जितना परसेंट निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कैसे कर दो, 100 से, परसेंट वो निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितनी होगी, 2500 का 80%, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 ज़ीरो ज़ीरो, 25 8 ज़ा 100, 200। उसका जो 80% था, 80% जो स्पेंड करता था, वो वैल्यू में हमें निकाला रेट में कितना होता है, वो होता है 2000। वो अपने 2500 रुपये में से 2000, मतलब 80% अपना खर्च कर देता था, तो सेव कितना करता था। सेव का कैसे निकालेंगे, जो सैलरी उसकी टोटल सैलरी कितनी, टोटल सैलरी में से उसकी जो स्पेंड सैलरी थी उसको घटा देंगे तो हमारा सेव मनी आ जाएगी। सेव कितना करा उन्होंने, टोटल कितनी थी उसकी, 2500 माइनस कितने करना है, जितने खर्च करता था वो 2000 रुपये खर्च करता था, तो कितना आएगा इसका, 2500 में से 2000 गए तो 500। वो 500 रुपये सेव करता था अपने सैलरी के, वो 500 रुपये सेव करता था। यही क्वेश्चन पूछा है कि कितने पैसे वो सेव करता था, 500। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये तो इसका लंबा तरीका हो गया, कहेंगे आपके सर छोटा तरीका बताइए कोई। अब इसमें क्यों हमने पहले 80% निकाला, 80% निकलने के बाद इसमें मल्टीप्लाई भी काफ़ी बड़ा बड़ा करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू आई 80% की, उसको टोटल में से फिर घटा के तब हमारा निकला उसका सेविंग प्राइस, सेविंग पैसे कितने सेव करे थे उसने। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो,
एक लाइन वाला। ये बताइए, जब वो अपने सैलरी का 80% खर्च कर देता था तो परसेंटेज में ही पूछा जाए वो कितना बचाता था, वो अपना 20% बचाता था, क्योंकि 100% होता है, 100% में से उनने 80% खर्च करा, बचा कितना 20%, वो बचाता कितना था अपना सैलरी का 20% बचाता था। अब हमें पता चल गया सैलरी का वो अपना 20% बचाता था, क्यों ना हम सैलरी का डायरेक्ट 20% निकाल दें, आंसर आ जाएगा हमारा। 20% निकालने का तरीका क्या है, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई इसकी 2500, उसका 20% निकाल लो, ऐसे निकालते हैं इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ऐसे करते हैं, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, 25 0 0 25 2 50, 500 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक, ये तरीका दोनों तरह से सोचा करो क्वेश्चन को, उसमें आपका खर्च करा हुआ पैसा परसेंटेज में बताया, तो आप भी जो सेव करा वो भी परसेंटेज में करके खुद निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह से हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हम अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 309.056 इज डिवाइडेड बाय 100, द आंसर वुड बी, ये कह रहा है एक वैल्यू दी हुई है 309.056, ये वैल्यू दी गई है, इसको बोला गया है इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, करके देखते हैं। 309.056 को किससे डिवाइड करने के लिए कहा है उन्होंने, 100। अब ये बताइए, हम जब नीचे की वैल्यू, नीचे की जो ज़ीरो होती है वो हटाते हैं तो पॉइंट इधर की तरफ बढ़ता है, राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो इसी तरह से हम हटाते हैं, एक ज़ीरो हटाएंगे तो एक वैल्यू सरकेगा पॉइंट इधर, दूसरी ज़ीरो हटाएंगे तो दूसरी वैल्यू पॉइंट इधर सरक जाएगा, दूसरे पॉइंट के दूसरे वैल्यू से पहले, तो आंसर क्या आएगा इसका, एक दो वैल्यू सरकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 309.056, यही होगा इसका आंसर, यही आप अपने क्वेश्चन पेपर में चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है ए में, ए इज द राइट आंसर। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कह देता आप तो आपका राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट सरकता हमारा, है ना, इनटू करता तो तब, पर इसमें डिवाइड कहा तो हमारा राइट टू लेफ्ट सरका है पॉइंट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1100 एंड 23 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 275 द अदर वुड बी, एक आपको ये बताया है कि दो नंबरों का अगर हम LCM और HCF निकालते हैं तो एक का LCM जो आता है 1100 आता है, HCF जो आता है 23 आता है, उसमें दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू दी गई है और दूसरी वैल्यू पूछा है। ये बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है जिस पे आपको ये तरीका नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 का, ऐसा जो भी दिया हो क्वेश्चन तो LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर हो जाता है वैल्यू के, वैल्यू वन मान लीजिए इसे, इनटू वैल्यू टू मान लीजिए इसे,
वैल्यू वन की हमें पूछ दी गई है, वैल्यू टू पूछा है, हम वैल्यू टू निकाल लेंगे इससे। LCM कितना दिया हुआ है हमें, LCM दिया हुआ है 1100। HCF कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। वैल्यू वन कितनी दी हुई है, वैल्यू वन दी हुई है 275। वैल्यू टू निकालनी है हमें, वैल्यू टू निकालनी है, तो वैल्यू टू के बराबर में जो इसको साइड में भेज दीजिए, वैल्यू टू इज इक्वल टू, ये इनटू में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 1100 इंटू 23 डिवाइड बाई 275। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं यहीं पर। इसे 5 से कट कर लीजिए पहले, क्योंकि ये लास्ट में 5 है, इसमें 0 है, ये आसानी से कट हो जाएगा 5 से। इसे 5 से कट करते हैं, 5 ज़ा 25, 2 इधर बचा, 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। ठीक, अब फिर इसे 5 से कट कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11, इसको कर लीजिए, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 2 इधर आ गया तो 5 4 ज़ा फिर 20, 11 44, इसको फिर कट कर लीजिए, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, डायरेक्ट कट हो गया हमारा। वैल्यू टू जो आई उसका क्या आया, इधर ये 4 बचा, इधर 23 बचा, नीचे सब कैंसिल हो चुका है, 4 × 23 यही होगा इसका। अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 4 × 23 इज़ 46, 82 यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी इज़ द राइट आंसर। आपके थोड़ा बहुत कट गया होगा, आप साइड में लिख देता हूँ, इसका जो आया था वो आया था 92। ठीक, वैल्यू जो हमारी सेकंड वैल्यू थी, एक तो वैल्यू हमें दी थी क्वेश्चन में 275, दूसरी वैल्यू पूछा था, दूसरी वैल्यू हमने निकाली तो क्या आया 92, तो यही आपका आंसर है। इसी तरह से हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में दिया गया है, 30% ऑफ 5 मीटर इज, 30% 5 मीटर का होगा, 30% ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर का 30% होगा। इसका पहले 5 मीटर का हमें 30% निकालना है, इनटू 30 कर देंगे, डिवाइड किससे करते हैं, 100 से, ऐसे ही होता है ये, क्योंकि मीटर में आएगा इसका आंसर, इसलिए मीटर लगा देते हैं, ये बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये 0 ख़त्म, ये 5 से 10 ख़त्म, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इधर 3 बचा, क्या आया, 3/2 बचेगा इधर, ये 3 बचा इधर, और ये इधर 2 बचा, तो क्या आया हमारा 3/2। इसको और कट कर लीजिए, और कट कर लेंगे कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2 पॉइंट 10 हो गया वो, 2 5 ज़ा 10, 1.5 मीटर, क्योंकि हमने 5 मीटर का 30% निकाला है, इसलिए मीटर मीटर में ही आएगा। इसका मीटर कितना आया, 30% का 1.5 मीटर। और ऑप्शन आपके देखिए, यही इसमें क्वेश्चन में चालबाजी खेली गई है, जिससे आपको पहला ही ऑप्शन क्या दिया है, 1.5, पर उसमें जो ये मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, आपके सेंटीमीटर दिया गया है, आप पहले ही ऑप्शन देख के 1.5, ये भी 1.5 सटाक से लगा देते, आंसर आपका हो जाता गलत। तो इसलिए आप चेक भी करिए वैल्यू किस में दी गई है, आपका ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसमें सेंटीमीटर करने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, 1.5 इंटू
100, ये अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर कर देते हैं 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो दो ज़ीरो हैं, दो ज़ीरो हमारा लेफ़्ट टू राइट सरकेगा, जो पॉइंट हमारा लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, तो दो डिजिट उसे क्योंकि दो ज़ीरो दी गई है तो दो डिजिट इधर सरकेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है हम दूसरी डिजिट बना लेंगे, 1 सरक गया 5 से आगे, 5 के आगे एक ही वैल्यू दी है 5, सेकेंड वैल्यू हम बना लेंगे 0, उसके बाद सरकेगा पॉइंट, सपोज़ यहाँ पे 0 लगा लीजिए, तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को 100 से तो क्या आएगा 115। अब ये बताइए पॉइंट ज़ीरो लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फ़र्क तो नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है, सी इज़ द राइट आंसर। आपको बहुत केयरफुली सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन, बहुत आसान है, तो आप सिर्फ अपना मेंटलिटी यूज़ करके अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है, थ्री बॉयज अर्न 27 इन 1 आवर, हाउ मैनी रुपीज़ विल टू बॉयज़ अर्न इन 1 आवर। तीन लड़के मिलके एक घंटे में 27 रुपये कमाते हैं, और पूछा गया है कि दो लड़के मिलके एक घंटे में कितने रुपये कमाएंगे। थ्री बॉयज़ एक घंटे में कितने रुपये कमाते हैं, 27। थ्री बॉयज़ दिया है, हम एक लड़के का निकाल सकते हैं पहले इससे, वन बॉयज़ कितना कमाता है, 27 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, एक लड़के का आ जाएगा हमारा कितना कमाता है, एक लड़का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 × 3, 3 × 9 = 27, 9। अब हमें पता चल गया एक लड़का एक घंटे के अंदर 9 रुपये कमाता है, हमें निकालना क्या है, दो लड़के एक घंटे के अंदर कितने रुपये कमाते हैं। दो लड़के हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 2 × 9 = 18, यही आपका आंसर है, 18 रुपीज़ कमाएंगे एक घंटे में दो लड़के मिलके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व हो गए। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैथ के लास्ट क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहता है, हाइट ऑफ ब्रिक्स इज 7 सेंटीमीटर टू रीच 1.4 मीटर हाइट, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज, एक ईंट दी गई है जिसकी हाइट कितनी है, सिर्फ हाइट दी गई है, हाइट कितनी है उसकी, उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, उससे बोला है वो कितनी ईंट लगेंगी जो उसकी हाइट कितनी हो जाए 1.4 मीटर, उसे हाइट कितनी करनी है अपनी, एक दीवार बना रहा है, सपोज ईंट है 7 सेंटीमीटर की, उसे दीवार बनानी है 1.4 मीटर की, उसमें कितनी ईंट लगेगी ये बताना है 1.4 मीटर की। ठीक, 1.4 मीटर की ऊंचाई करनी है उसे दीवार की, और उसकी ईंट की साइज हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब पहले ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा, ये क्योंकि पॉइंट दो ज़ीरो है तो दो डिजिट इधर सरक जाएंगी, एक डिजिट दो डिजिट इधर सरक गई, आगे से हटा दिया हमने, कोई मसला नहीं है उसमें, तो हमारा हाइट कितनी आ गई सेंटीमीटर में, 140 सेंटीमीटर। अब हमारी ईंट की साइज हाइट कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। अब ये बताइए जब हमें ईंट की साइज 7 सेंटीमीटर दी गई है और हमें दीवार बनानी है 140 सेंटीमीटर की और हमें पूछा गया है कितनी ईंट लगेंगी, तो हम सिंपल जितनी हाइट करनी है
उतनी हाइट को जितनी ईंट की हाइट है उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ब्रेक्स निकल आएंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स मतलब हमें पता चल जाएंगी कितनी ईंट लगेंगी उसमें। अब ये देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, 7 2 14, 0 का 0, 2 0 का 0। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितनी आई, 20। ये बोला गया है कि हम 7 सेंटीमीटर की ईंट को अगर 20 ईंट ऊपर ऊपर लगा दी जाएँ तो 140 सेंटीमीटर हो जाती है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि कितनी ईंट लगेंगी 7 सेंटीमीटर की, उसकी हाइट जो है 1.4 किलोमीटर या वह 140 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमारा आंसर क्या आया, तो जो ईंट लगेंगी वो 20 ईंट लगेंगी, जो ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है, दिस इज़ अ राइट आंसर। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, मैथ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो भी हम क्लास लेंगे उसमें हम 2003 और 2004 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि आज हमारे सुबह के टाइम अराउंड 10 बजे हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, तो मैं अपनी टीम की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरी पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार करा, बहुत बहुत अच्छे कमेंट करे, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हरम तेरी मक्खी में आग लगा नहीं आ रही है, मक्खी भी कसम से।